मरीजों के लिए ऑक्सीजन खत्म हो रहे हैं, मगर लोग बाग अब कुछ कर नहीं पा रहे डॉक्टर लोग। खाना पानी सब जा रहा हमारे पेशेंट के पास, और हमें बताया भी नहीं कि तुम्हारा पेशेंट नहीं रहा है। किडनी और गुर्दे निकाले जा रहे हैं। 90% ऑक्सीजन होना चाहिए तब लेंगे भाई, 90% में जरूरत क्या है? रात रात में डेड बॉडी गायब कर दी इन्होंने, ये कौन सा तरीका है? जाओगे जब तो मिलेगी, या हम देंगे उठा के तुम्हारे को? आपको मैं एक हिदायत देकर जाऊंगा, आप इस तरीके से बात करने के लिए ऑथराइज नहीं है कि मैं उठा के दूंगा बॉडी, कौन उठा के देगा? नाइन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के लोकनायक अस्पताल के नीचे। यहां पर मैं आपको बता दूं, इसके अस्पताल के बाहर जिस तरीके की जो तस्वीरें हैं, लगातार आधे घंटे से हम लोग यहां पर मौजूद हैं। बीते आधे घंटे में यहां पर दसियों एम्बुलेंस आ चुकी हैं, दसियों ऑटो आ चुके हैं, जिनमें गंभीर पेशेंट्स जो है वो लाए जा रहे हैं। लेकिन इस अस्पताल का जो प्रशासन है उसका जो रवैया है वो आपको मैं बता देता हूँ कि केवल ये दो गार्ड्स हैं, हर दरवाजे पे, 5 नंबर हो, 3 नंबर हो, 2 नंबर, हर दरवाजे पे सिर्फ 2 या 3 गार्ड्स बैठा रखे हैं, जिनका बर्ताव जो है वो पूर्णतः एक बदमाश की तरह मैं कहूँगा वैसा है, जो लोगों को ना तो अंदर घुसने दे रहे हैं, ना ही उनसे ढंग से बात कर रहे हैं, ना ही ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस डॉक्टर से बात की जाए या किस डॉक्टर से फॉलोअप लिया जा सकता है। लगातार जब से हम यहाँ पर मौजूद हैं एम्बुलेंस पे एम्बुलेंस आई जा रही हैं, लेकिन किसी भी एम्बुलेंस के अंदर कोई भी मरीज लाया जा रहा है उसको ना तो अस्पताल के अंदर भर्ती किया जा रहा है, ना ही उससे किसी तरीके की बात की जा रही है, ना ही उसकी हालत जो है उसको जाँचने परखने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही आपको बता दूँ कि लगातार हमको ये बताया जा रहा है कि MD हैं उनके आदेश अनुसार जो हो रहा है ये सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन बाहर कौन मरीज कितनी गंभीर अवस्था में है, किस मरीज की हालत कितनी ज़्यादा गंभीर है, ये जांचने और परखने के लिए अभी तक कोई भी डॉक्टर यहाँ पर नहीं आया, ना ही किसी डॉक्टर ने आकर उनसे उनकी बात सुनी। तो आइए ऐसे में यहाँ पर जितने लोग हैं उनसे बात करते हैं, उनको जानने की कोशिश करते हैं कि वो किस तरीके से और किस हद से वो यहाँ पर परेशानियों से जूझ रहे हैं। सांस की बीमारी थी उनको, पूरी बात बताइए, पूरी बात। रात रात में यहाँ से बॉडी गायब कर दी है। भर्ती कब करवाया था आपने? रात को ही भर्ती कराया, शाम के टाइम में, और हमारे को बॉडी नहीं मिल रही है। क्या बता रहे हैं? लोग कह रहे हैं ये बॉडी अभी वहाँ भेज दिया, वो कौन सा वो है सर, मुर्दा घर में, बगैर बताया ही, मतलब हमको बताया भी नहीं, मुर्दा घर भेज दिया, बॉडी आपको दी रही है नहीं। हेलो, क्या बताया जा रहा है? मुर्दा घर में भेज दी गई है बॉडी, और बॉडी का भी कुछ पता नहीं चल रहा है। बात करने की कोशिश कर रहे हैं, अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या? नहीं ही जाने दे रहे, अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। ये आपसे किसने कहा कि मुर्दा घर बहुत भेज दी गई है बॉडी? हाँ जी, ये किसने बताया आपको कि मुर्दा घर भेज दी गई है बॉडी? मेरे बच्चे वहाँ पहुँचे हुए, लेकिन अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। तो सुबह वो खाना लेके आए तो उन्होंने मतलब 2 घंटे बाद बताया कि आपका पेशेंट है ही नहीं यहाँ पर, उसकी डेथ हो गई है, मुर्दा घर भेज दिया गया। आपको कुछ नहीं बताया? हमें नहीं बताया कुछ भी। ये बताइएगा, आप इनको लेकर आए थे, कोविड पेशेंट है, क्या बताया जा रहा है हॉस्पिटल से? सर, हॉस्पिटल से ये बताया जा रहा है कि कोई मैम करके उनका उनसे बात कराई है, उनका नंबर हमारे पास होता नहीं है, और गाड़ी ये तो लड़ने को तैयार है, गाड़ी यहाँ से ले जाओ, कहाँ ले जाएँ बताओ गाड़ी, पेशेंट सीरियस है, ऑक्सीजन पे, पेशेंट ऑक्सीजन पे है, गंभीर है, गंभीर है। कुछ यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? बाहर से ही गेट कीपर बोल रहे हैं जो गार्ड्स हैं, मैम उनसे बात करवाओ, या कोई मैम रीता मैम करके, कौन सी मैम उनसे बात करवाओ मेरी, अभी भर्ती किया जाएगा। इनकी तबीयत खराब है, इनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। तबीयत खराब क्या, सीरियस है, ऑक्सीजन पे हैं, वो सांस लेने में दिक्कत हो रही है इनको बहुत ज़्यादा। आपकी गाड़ी में इमरजेंसी नहीं ले रहे हैं? आपकी गाड़ी में भी इमरजेंसी, उसको भी नहीं ले रहा है। पीछे बाबा अम्बेडकर हॉस्पिटल से इनको लेके आया हूँ, वहाँ से रिफ़र करके यहाँ भेजा, यहाँ भी नहीं ले रहा है, यहाँ भी नहीं ले रहा है। मेरी गाड़ी है सामने, वो भी गंभीर पेशेंट है सर, गंभीर पेशेंट है, एकदम इमरजेंसी है, सारी बत्ती वगैरह सब तोड़ के लेकर आया, यहाँ तक पहुँचाया हूँ मैं। कहाँ से लेकर आए हैं? बाबा साहब अम्बेडकर हॉस्पिटल से, वहाँ से रेफर करके यहाँ भेजा, जब भी नहीं ले रहे अंदर। आप कहाँ से लेकर आए? मैं सर लेके आया हूँ अपने विकासपुरी से, कह रहे हैं कि रितु मैम ने कह रखा है कोई पेशेंट अंदर नहीं लेना, आता भी है तो मेरी बात करवाओ, पहले कोई पेशेंट लेना नहीं है अंदर। किन्होंने कहा ये? विकास हैं, इसने कहा है ये कि आप पेशेंट अंदर नहीं लेना, कौन सी मैम बता रहे हैं? रितु मैम। ये आप क्या कह रहे थे? हमारा भी पेशेंट पड़ा हुआ है सर, उसको सांस फूल रही है, बाकी उसको नेगेटिव रिपोर्ट भी है उसके पास, उसको भी अंदर नहीं ले रहे हैं, बता रहे हैं अंदर बेड नहीं है, सफदरजंग से भेज दिया, यहाँ पे बेड खाली पड़ा हुआ है। हमारे पास तो लिखित पेपर में दे रखा है, उसको भी नहीं मान रहे, लिखित पेपर में दे के लिख के भेजे यहाँ के इसको देने के लिए। यहाँ आपसे किसे? गेट पर यही गार्ड जो है यही रोक रहे हैं? गार्ड रोक रखे हैं, गाड़ी रोक रहे हैं। हाँ, गार्ड रोक। आइए इनसे ही बात कर लेते हैं, एक बार इनसे ही बात करके और कोशिश जानने की कोशिश करते हैं कि क्या समस्या है, दरअसल किस वजह से नहीं लिया जा रहा है। ये बताइएगा, ये पेशेंट्स जो है काफी गंभीर उसमें है हालत में, MD सर से बात कीजिए, सर MD सर से बात कीजिए, हमारा कोई रोल नहीं है। हाँ, MD सर कहाँ मिलेंगे? बहस तो मैंने की नहीं ना आपसे, आप इतना उत्तेजित क्यों हो रहे हैं, बहस नहीं करी हुई आपसे। नंबर गेट पे जाइए, परिजन जो आए हुए हैं, इनकी डेथ बॉडी, इनकी डेथ बॉडी का क्या है ये बताइए बस, खाली पीछे जाइए लेफ्ट और मोचरी पे मिलेगी,
तो जाओगे जब तो मिलेगी या हम देंगे उठा के तुम्हारे को। तो इसमें क्यों पढ़ रहे हो? मैं मरीज दाखिल रात रात में कर दी इन्होंने, ये कौन सा तरीका है? अगर कोई आदमी अपने परिजन, इधर सुनिए रिश्तेदार की बॉडी मांग रहा है। नहीं नहीं आप पहले अच्छे से बात करिए, आप इस तरीके से बात मत करिए, सुनिए पहले। तो अगर कोई डेड बॉडी अपनी पूछ रहा है तो आप उसको सीधे बताने के बजाय आप इस तरीके से लड़ने जैसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? उसके किसी की रिश्तेदार की मौत हो गई है, वो पूछ रहा है, डेड बॉडी मांग रहा है, वो शख्स जो भी अंदर गया है वो कह रहा है कि मैं दूंगा डेड बॉडी उठा के, आप खुद उठाइए जाके, ये कौन सा तरीका है बात करने का? ऐसा है, मैं बता तो रहा हूँ इनको, पहला लेफ्ट लो जी, फिर पहला लेफ्ट लेके जाओ, टी पॉइंट के ऊपर जाइए, वहाँ से फिर आपको पहला लेफ्ट लेना, वहाँ पर मिलेगी सारी जानकारी आपको, वहीं से मिलेगी, यहाँ से कुछ नहीं मिलेगी। और ये बता दीजिए ये लोग जो यहाँ पर खड़े हुए हैं इनको किस डॉक्टर ने कहा है कि इनको अंदर नहीं आने दिया जाएगा, या फिर कोई इनको देखने भी आया? आने और जाने वाली कोई कहानी नहीं है सर, यहाँ कंप्लीट हो चुका है इसलिए मना कर रखा है, जब तक एमडी सर नहीं बोलेंगे हम किसी को अंदर नहीं भेजेंगे। मैम बात करवा देंगे फिर कहाँ से बैठा जाएगा? कंप्लीट अगर हो रखा है और वो मैम बात करवा देंगे फिर कहाँ से बैठाएगा? यहाँ क्यों ड्रामा कर रहा है? ड्रामा पहले मैं तू करके तो बात करनी ना मैं आपसे, मैंने तू करी तो करी नहीं, क्या कर रहे हो फिर? ये ड्रामा यहाँ पे क्यों कर रहा हो? तो वहाँ भी करो ना फिर। आप एक काम करिए, सुनिए सुनिए सुनिए, आप यहाँ पर गार्ड का काम देख रहे हैं, सिक्योरिटी का काम देख रहे हैं, काम करिए, जो भी डॉक्टर है संबंधित है उनसे कहिए, उनकी जिम्मेदारी बनती है यहाँ पर खड़े होकर इनको बताएं बताएं क्या है। हमें भेजा तो है बताने के लिए सर, ऑथोराइज कर दिए, आप उनसे बात कीजिए सर, हम कहाँ पर मिलेंगे, कहाँ पर मिलेंगे, मिलेंगे तो क्या टेढ़ा मुंह करके बात? और क्या, गाड़ी वाले कह रहा अंदर जाना है, वो आपने उसको भी मना कर दिया, बड़ी गाड़ी आई उसको भी मना कर दिया आपने, ये कौन सा तरीका आपका? तो यहाँ अंदर लेके जाना है, अभी कोई हेल्प हो सकती है? मुझे लग नहीं रहा ये हेल्प करेंगे कोई। कहाँ पर है आपके एमडी साहब, कहाँ मिलेंगे सर? तीन नंबर गेट से जाइए सर, तीन नंबर गेट से, चलिए उनसे ही बात कर लेते हैं। एमडी से बात करिए, इनसे बात करने का कोई मतलब नहीं। और आप भी, आप जो शख्स हैं आपको मैं एक हिदायत देकर जाऊंगा, बात ढंग से किया करिए, इस तरीके से मत बात करिए, मैं आपको एक बात समझा रहा हूँ, इस तरीके से आप बात करने के लिए ऑथोराइज नहीं है, मेरी बात समझिए, मेरी बात समझिए, आप इस तरीके से बात करने के लिए ऑथोराइज नहीं है कि मैं उठा के दूंगा बॉडी, कौन उठा के देगा, समझिए? किसी की अगर यहाँ मौत हो रही है, कोई आया हुआ है, कोई समस्या में है हर कोई यहाँ पर, आप इस तरीके से बात मत करिए, ठीक है? अपना जो गुस्सा है अपने तक सीमित रखिए। तो यहाँ पर जो कुछ समस्याएं हैं आप देख सकते हैं, किस तरीके से जो यहाँ पर लोग हैं किस तरीके से परेशान हैं, यहाँ पर काफ़ी संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर हैं, ये देखिए ये एक मरीज़ हैं, ये कोविड पॉजिटिव हैं, ये काफ़ी देर से इस ऑटो में बैठी हुई हैं लेकिन इनको भी अंदर नहीं जाने दीजिएगा, इसके साथ ही एम्बुलेंस में भी एक मरीज़ मौजूद है उनको भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, इसके कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं, किसी की डेड बॉडी जो है उनको बताया जा रहा है कि कल रात को उनकी मौत हो जाती है और सुबह उनकी डेड बॉडी जो है उनको सुपुर्द नहीं की जाती बल्कि बताया जाता है कि वो मरघट पहुँच चुकी है या फिर यहाँ मिलेगी वहाँ मिलेगी। आप कुछ कहना चाह रही थी, क्या कह रही हैं सर? एक तो हमारे पेशेंट के बारे में कुछ बता नहीं रहे हमें ठीक से, उसकी कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं, एक तो उनका बात करने का तरीका इतना गंदा होता है। आपके पेशेंट कहाँ पर है? 7A में सर। कुछ नहीं बता जा रहा हूँ, कुछ भी नहीं बता रहे सर, आज फ्राइडे से एडमिट है मेरे हस्बैंड, कहते यहाँ जाओ वहाँ जाओ, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा सर। आपके हस्बैंड कहाँ एडमिट पर है? 7A में सर, तस्लीम। इधर आइए इधर आइए इधर आइए इधर आइए। क्यों इनके भाई साहब, ये बता दीजिए, बस इतना बता दीजिए, इनके हस्बैंड एडमिट हैं 7A में, कहाँ पर, कैसे पता लगेगा? इनके कह रही है कि कोई बात भी नहीं हो रही, कहाँ पर? ना मुझे कुछ नहीं पता चल रहा सर उनके बारे में, कोई कुछ नहीं है, फ्राइडे नाइट से सर, 2 बजे जी सर। कितने दिन हो गए आपको? 4-5 दिन हो गया सर, कुछ नहीं पता चल रहा है सर, उनकी कंडीशन भी ठीक नहीं है, अंदर बात करते हैं उनके साथ बात भी नहीं हो रही सर बिल्कुल भी। एक पत्नी को अपने पति के बारे में मालूम चल रहा, कैसे मालूम चलेगा, इतना बताइए, आपको क्या बताया गया, कैसे पता कर सकते हैं? के बाद जाइए लिखित में दीजिए। हाँ फिर क्या हुआ? स्पोर्ट्स सेंटर में बेड अवेलेबल है, वो कह रहे हैं कि 90% ऑक्सीजन होना चाहिए तब लेंगे, भाई 90% में जरूरत क्या है, जरूरत क्या है फिर? ये देखिए ना, ये देखिए, मेरा दोस्त है हरी नाम का, बेड नंबर 15-31 नंबर वार्ड के अंदर, उनको भी देखने कोई नहीं आ रहा है, उनको कई दफ़े कह दिया ना तो अंदर जाने दे रहे, देखने दे रहे, टीनमेंट फ़ोन पे बात हुई है, वो सुबह भी घबरा रहा था मैं नहीं बचूंगा, लेकिन हमें अंदर जाने ही नहीं दे रहे, ना देखने दे रहे, क्या कंडीशन है? आपको आपको कहाँ पर बताया गया कि आप कहाँ पर जाके मिल, आप गई थी, बात किया था आपने? देखने नहीं दे रहे, बात नहीं करने दे रहे हैं, आइए 7A में आइए आप। कब भर्ती कब करवाया था आपने अपने हस्बैंड को? सर मैं फ्राइडे नाइट में लाई थी, 2 बजे वार्ड में ले गए उन्हें, पहले मैं मालवीय नगर लेके गई सर, उन्होंने यहाँ के लिए रेफर किया, इन लोगों को सर ना ही देखने दे रहे ना मिलने दे रहे, कुछ नहीं सर, कोई रिस्पांस नहीं आ रहा इनकी तरफ से।
आपने एडमिट कराया, उसके बाद जब से एडमिट हैं तब से आपको कोई उनका अपडेट या फॉलोअप नहीं दिया गया? कोई नहीं, कुछ कोई खबर नहीं है सर। बस सामान भी कल इतनी देर में पहुंचा है सर। ये सर टिकट है, किडनी और गुर्दे निकाले जा रहे हैं। आपका पेशेंट भर्ती था, आपका पेशेंट तो अभी तक बॉडी भी नहीं मिली है? नहीं, बॉडी मिली बिल्कुल नहीं मिली बॉडी अभी हमारे को, और बच्चे मेरे वहाँ खड़े हुए हैं, मगर बॉडी देने के लिए अभी ना इनकार कर रहे कि रिपोर्ट आएगी, फलाना आएगा, जब जाके देखेंगे। इसके अलावा बच्चे भी वहाँ परेशान हो रहे हैं हमारे, कोई जवाब देने वाला भी नहीं है, कोई जवाब देने वाला है ही नहीं वहाँ पे। रात को भर्ती कराया है, रात को उन्होंने बोला क्या जी यहाँ कोई नहीं रुकेगा, फ़ोन नंबर ले जाइए, वीडियो कॉल पर तुम्हारी बात कराई जाएगी। उसके बाद में वीडियो कॉल पर भी बात नहीं कराई है, और रात सवेरे के लिए बच्चे खाने लेकर आए तो पता चला जी यहाँ पे बॉडी नहीं है। आपके पति की कॉल वॉल पे फोन पे बात कराएगी किसी तरीके से? सर मैंने अपना फोन दे रखा है, नहीं कोई वीडियो कॉल नहीं कराई, हम अपनी तरफ से करते हैं सर। क्या बताते हैं आपके पति जब आप बात करते हैं? कहते हैं आराम नहीं है सर, वो साफ बोल रहे हैं मुझे बिल्कुल भी आराम नहीं है यहाँ पर। अच्छे वाले को मार रहे हैं यहाँ पर, रोज ड्रामा हम तो रोज देखते हैं। रात को भर्ती होती है, दो घंटे पहले भर्ती करी, दो घंटे बाद पता चला जी मरीज की मौत हो गई। कैमरा मैंने, ठीक है ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ, आप थोड़ा उस पर रहिए, चिल्लाइए मत, किसके जैसे देखे आपने? सुबह शाम तक, सुबह शाम तक मेरे जैसे बहुत देखे, जब मना है परमिशन, मेरे जैसे बहुत देखे हैं आपको, मीडिया वाले बहुत देखे तो यहाँ आते। ये देखिए, ये वो शख्स है जो यहाँ पर मीडिया वालों से जिस तरीके से बात कर रहा है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये शख्स जो गार्ड की ड्रेस में, नाम क्या इसका, नाम बताइए जरा अपना, नाम बताओ अपना, नहीं कार्ड दिखाओ, कार्ड दिखाओ। तो ये जो शख्स है यहाँ पर मीडिया वालों से जिस तरीके से बदतमीजी से बात कर रहा है, आप अंदाजा लगा सकते हैं या आम लोगों से किस तरीके से बात करता होगा, किस तरीकों से बात करता होगा। ये जब मीडिया वालों से इस तरीके से बात कर रहा है तो ये आम पेशेंट से, आम पब्लिक से किस तरीके से बात करता होगा? क्या क्या कह रहे हैं? पॉजिटिव होंगे तो नहीं देंगे, अभी तक पापा हमारे पॉजिटिव नहीं थे, और अब बोल रहे कि डेड बॉडी का कोई टेस्ट होगा, उसके बाद कल रिपोर्ट आएगी, उसके बाद बताएंगे, और बॉडी को हमारे को नहीं देंगे। दे नहीं रहे बॉडी आपकी? और कल एडमिट था बिना पूछे हमारे को, हमारा जो पेशेंट था उसे वार्ड में शिफ्ट कर दिया बिना पूछे। हमारा पेशेंट कल 6:30 बजे का एक्सपायर हो गया, और हमें अभी तक कुछ नहीं बताया था, यहाँ आके हमें खाना पानी सब जा रहा हमारे पेशेंट के पास, और हमें बताया भी नहीं कि तुम्हारा पेशेंट नहीं रहा है। क्या जिम्मेदारी निभा रहे हैं ये? कुछ नहीं बताया जी, कुछ नहीं बताया हमारे को, कुछ भी। कल से परेशान हूँ मैं पता करने में मेरा पेशेंट है कहाँ, तब जाके आज पता लगा, सुबह से नचा रहे हैं, यहाँ जाओ वहाँ जाओ यहाँ जाओ वहाँ जाओ। अब भी यहाँ से आ रहे हैं, लड़की की हालत कैसी हो गई है? ये किसने अभी, किसने अभी आपने किससे बात की थी आखिरी बार? अभी हमने जाके मोर्चे में वहाँ पे जाके बात करी, तो उन्होंने यही बोला कि बॉडी आपको यहाँ से सीधा आपको साइन कराएंगे, अब बॉडी आपके शमशान घाट लाएंगे, आपके फैमिली के लोग आएंगे, वहीं पे सब कुछ करने, जैसे आप अपने रीति रिवाज वो से कर लेंगे। बस दो बार कॉल करिए आपको, अरे कॉल आती तो हम उठाते नहीं, या हम बैक कॉल करते। मैंने उनसे बोला दिखाओ आप मुझे कॉल डिटेल, वो भी नहीं दिखाया उन्होंने, झूठ बोल रहे। तो क्या करें हम, अपनी डॉट बॉडी कैसे निकालें यहाँ से? हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं था, इसलिए हमें उन्हें एडमिट करना पड़ा है। मरीजों के लिए ऑक्सीजन खत्म हो रहे हैं, मगर लोग बाग अब कुछ कर नहीं पा रहे डॉक्टर लोग। हजार हो जाएगा हमारा सिलेंडर खत्म होने वाला है, एम्बुलेंस वाले हैं जी सर, ऑक्सीजन हमारी खत्म होने वाली है, और पेशेंट अंदर ले नहीं रहे, कहाँ ले जाएंगे इसे, बताइए सर। ये समस्या चल रही सारी ऑक्सीजन की, इस तरीके के जो हालात हैं कि किसी की डेड बॉडी हो गई है, उसकी डेड बॉडी जो है उनके लोग जो हैं, उनके रिश्तेदार जो हैं, उनको नहीं दी जा रही है, इसके साथ ही यहाँ पर कुछ लोग हैं जो बताया जा रहा है, जो एम्बुलेंस जो उनको लेकर आई थी, एम्बुलेंस वाले बता रहे हैं कि उनकी जो गाड़ी में जो पहले से एम्बुलेंस मौजूद थी वो भी ख़त्म होने वाली है, वो ऑक्सीजन भी ख़त्म होने वाली है, लेकिन किसी भी तरह के इंतज़ाम नहीं किए जा रहे और ना ही गेट के अंदर लिया जा रहा है। यहाँ का जो रवैया है, जो प्रशासन का जो रवैया है, वो पूरी तरह से नहीं लगता कि वो किसी तरीके से पेशेंट्स के हित में बात कर रहे हैं, पूरी तरीके से लगता है कि यहाँ पर एक एनार्किकल व्यवस्था जो है वो लागू हो चुकी है। यहाँ पर जो गार्ड्स हैं वो भी किसी तरीके से तमीज़ से बात नहीं कर रहे, किसी भी तरीके से ढंग से बात नहीं कर रहे। जब वो मीडिया कर्मियों के साथ इस तरीके से बात कर रहे हैं, इस बेहूदगी के साथ बात कर रहे हैं, तो आप आसानी से इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो आम लोगों के साथ किस तरीके का रवैया अख्तियार कर रहे होंगे, किस तरीके से बात कर रहे होंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा जिस बात को सोच के डर लगता है वो ये है
कि अस्पताल का दरवाज़ा है, अस्पताल के दरवाजे के बाद हमारे जब से हम यहाँ पर मौजूद हैं आधे घंटे से लगभग दसियों गाड़ी आ चुकी हैं, जिसमें किसी का पेशेंट जो है काफ़ी ज़्यादा गंभीर है, किसी का पेशेंट जो है ऑक्सीजन खत्म हो रही है वो मर रहा है, किसी का पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा बीमार है। एक और हमारे पीछे बिल्कुल ऑटो रिक्शा देखिए अभी भी आया है, उनके पेशेंट की देखिए तबीयत कितनी ज़्यादा ख़राब है, लगातार एक के बाद एक पेशेंट्स आ रहे हैं, देखिए ऑटो में किस तरीके से लाया जा रहा है, कितनी ज़्यादा तबीयत ख़राब है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर किसी भी तरीके की यहाँ पर कोई बात करने के लिए राजी नहीं है। पेशेंट हमारा परेशान है, सुबह 8 बजे से परेशान हूँ मैं, बात भी नहीं कर रहा, बात करने के लिए राजी नहीं है यहाँ पर। तो इतने सारे लोग हैं, किसी का पति यहाँ पर 3 दिनों से एडमिट है, 3 दिनों पहले उसको पॉजिटिव आता है, उसको यहाँ अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, लेकिन आज तक उसको ये नहीं बताया गया कि वो है कहाँ, कोई अपडेट नहीं, कोई फॉलोअप नहीं, उसको यही नहीं मालूम है कि उसका पति अभी जीवित है अभी या मर चुका है। लेकिन ऐसे में जो लोग मर भी चुके हैं उनकी भी डेड बॉडी नहीं दी जा रही है, बताया जा रहा है कि पॉजिटिव है, तो ऐसे में डेड बॉडी यहाँ कोई बताने वाला नहीं है, कोई ना बताने वाला है ना कोई देने वाला है, ना डेड बॉडीज दी जा रही है। गाड़ी जाने के लिए जगह नहीं बताई, क्या करें, कहाँ से लेकर आई पेशेंट? पटेल नगर से सर। गंभीर है सर, बिल्कुल देख लो आपके सामने कितना सीरियस है, बैठा डॉक्टर सुन नहीं रहा, अभी अब अंदर जाने के लिए इंतजाम नहीं, कोई गाड़ी वाला गाड़ी भी नहीं जा सकती। यहाँ पर एक चीज़ देख लो, एक चीज़ दिलचस्प है कि यहाँ पर जो गाड़ी वाले जो हैं, ऑटो वाले जो हैं, जो एम्बुलेंस वाले हैं, वो भी इतने संवेदनशील है कि वो लोग समझ रहे हैं और वो लोग भी लगातार कह रहे हैं, क्या दिक्कत है, ले क्यों नहीं रहे इनको, वो भी इतने संवेदनशील है कि वो लोग भी कह रहे हैं कि हम लेकर आए हैं, हम गाड़ी में उनको बैठा के रखे हैं, वो लोग भी अगर इस इतनी जो परेशानियाँ हैं उसको समझते हैं, लेकिन ये हॉस्पिटल प्रशासन किस तरीके से बर्ताव कर रहा है, किस तरीके से बात करता है, किस तरीके से यहाँ के एमडी, हर बात पे कहा जाता है कि एमडी की तरफ से आदेश हैं, एमडी की तरफ से आदेश हैं, सीएमओ से बात कराइए, इस डॉक्टर से बात कराइए, उस डॉक्टर से बात कराइए, तो जब आप देखने ही नहीं आते किसी पेशेंट को, बाहर आकर किसी भी डॉक्टर ने, एक भी डॉक्टर ने अभी तक कोई बाहर आकर किसी भी पेशेंट को ये जानने की कोशिश नहीं करी कि वो किस हद तक बीमार है या किस हद तक वो संक्रमित है या किस हद तक वो गंभीर है, ये जाने बिना, ये कुछ भी सोचे बिना अंदर से एक फरमान जारी होता है कि उनको बाहर ही रखिए, अंदर मत आने दीजिए। इस तरीके का यहाँ जो अस्पताल का जो प्रशासन है उसका रवैया है, बाहर भीड़ लगी हुई है, एक भी डॉक्टर ने अभी तक जहमत नहीं उठाई कि बाहर आकर ये जांच सके कि कौन कितना ज़्यादा गंभीर है, किसको अंदर लेने की ज़रूरत है, कौन प्रायोरिटी पर है कि कौन नहीं है, किसको दवाई दी जा सकती है, किसको बचाने की भरपूर कोशिश भी करी जा सकती है, ये इस अस्पताल का ज़मीनी हाल है। मैं ये सीधे सीधे यहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से कहना चाहता हूँ कि टीवी में भाषण जब देते हैं, टीवी में जब देश को संबोधित करते हैं, टीवी में जब वो दिल्ली वासियों को संबोधित करते हैं तो तस्वीरें बड़ी अच्छी सी दिखाते हैं, लेकिन दरअसल ग्राउंड रियलिटी ये है कि उनके दिल्ली में दिल्लीवासी मर रहे हैं और दिल्ली वासियों की इस मौत का जिम्मेदार कहीं ना कहीं इस प्रशासन से होकर गुजरता दिल्ली की सरकार और दिल्ली का प्रशासन है। तो आज के लिए भारत एट 9 में इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।